नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पूजा शुक्ला। ये बढ़ते हैं आज के खबर की ओर। सिंधी समुदाय का 40 दिवसीय अखंड ज्योति महोत्सव चालिया पर्व पूज्य चालिया मंदिर उल्लासनगर कैंप नंबर 5 में 24 जुलाई से 40 दिन के व्रत उपवास से आरंभ होगा। सिंधी समाज 40 दिनों तक व्रत उपवास रखकर पूजा अर्चना के साथ सुबह शाम झूलेलाल कथा का श्रवण भी करेंगे। इस महोत्सव में झूलेलाल मंदिरों को विशेष रूप से सुसज्जित किया जाता है तथा मंदिरों में कथा आरती भजन कीर्तनों के साथ धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन रहता है। दीप प्रज्वलन होते हैं। इन व्रतों के दिनों में महिलाएं प्रतिदिन 4 या 5 मुखी आटे का दीपक अपने घरों से लेकर भगवान की पूजा करती है। साथ ही मनोकामनाएं मांगने वाली महिलाएं अपने घर से चावल, इलायची, मिश्री व लौंग लाकर झूलेलाल भगवान की आराधना करती। जीवन को सुखी बनाने एवं लोक कल्याण के लिए यह व्रत महाउत्सव मनाया जाता है। भगवान झूलेलाल के इस पर्व में जल की आराधना की जाती है। यह सिंधी समुदाय का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों भगवान झूलेलाल वरुण देव की अवतरण करके अपने भक्तों का सभी कष्ट दूर करते हैं। जो भी लोग 40 दिन तक विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सिंधी समुदाय का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन भगवान झूलेलाल चालिया महोत्सव भी माना जाता है। 73 सालों से प्रज्वलित अखंड ज्योत की साक्षी मानते हुए परंपरा के साथ इस वर्ष भी झूलेलाल मंदिर उल्लासनगर कैंप नंबर 1 का चालिया व्रत प्रतिवर्ष की तरह 16 जुलाई को शुरू होगा और पूजा चालिया मंदिर उल्लासनगर कैंप नंबर 5 में 24 जुलाई से 40 दिन के व्रत उपवास आरंभ होंगे। पूज्य चालिया साहेब मंदिर 5 नंबर में सुबह से पवित्र चालिया व्रत की शुरुआत 73 सालों से अखंड प्रज्वलित परिघोट से लाई परम भगत ज्योति का पूजन करके की जाती है। तो ये थी आज की खबर। इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।